Okay, so today we are beginning with the next part of the chapter, that is sets. And today's topics are finite and infinite sets. That's the first topic. तो ये finite set क्या होता है देखो definition दिया है यहाँ पे. A set is be finite if it consists of only finite number of elements. मतलब एक सेट को हम फाइनाइट बोल सकते हैं जब उसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो. ठीक है, जैसे ये सेट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर और उसमें सिर्फ तीन एलिमेंट है, 1 2 3 काउंटेबल है. ए ई आई ओ यू सेट ऑफ ऑल द वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, काउंटेबल है, पांच ही वाउल्स होते हैं, राइट. तो फाइनाइट सेट मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं. इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट. सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट. उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या होता है, कितने एलिमेंट्स है एक सेट में. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर. जैसे एक सेट है ए 1 2 3, उसमें कार्डिनल नंबर है 3. उसको ऐसे लिखते हैं n ब्रैकेट a इज इक्वल टू 3, कार्डिनल नंबर. ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता. इसका दूसरा नाम है नल सेट या फिर वॉइड सेट. इसका एक सिंबल भी है फाई, ग्रीक लेटर है. तुमने ये ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा पहले. और उसका जो स्पेलिंग है वो है पी एच आई, पी एच आई. फी भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको फी बोलते हैं, फाई भी बोलते हैं, डिपेंड्स. ठीक है, एम्प्टी सेट का सिंबल. एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जो खाली होता है. उसका अगर दूसरा एक सिंबल दिखाऊं तो वो ऐसा दिखता है, दो कर्ली ब्रैकेट, अंदर कुछ भी नहीं. एग्जाम्पल देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हू स्क्वेयर इज 2. ऐसा कोई इंटीजर है जिसका स्क्वेयर 2 है? नहीं, 2 किसी का स्क्वेयर नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है. तुम बोलोगे सर है ना रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वेयर 2 होता है. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. क्या रूट 2 इंटीजर है? नहीं. क्या रैशनल नंबर है? नहीं. तो क्या है? इरैशनल नंबर. तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वेयर 2 है, मतलब ये एम्प्टी सेट है. दूसरा देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है. सेट बिल्डर फॉर्म तो तुम कंफर्टेबल हो गए होंगे. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन 1. स्मॉलर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है? स्मॉलर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता. तुम बोलोगे सर 0 होता है ना, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, याद है? आई थिंक तुम्हारे साथ किया था मैंने, किसी और के साथ किया था, कि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं मानते. 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इंटीजर है बट पॉजिटिव नहीं. ठीक है, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1, ये एक एम्प्टी सेट हो गया. यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएगा नहीं. ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट. सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मतलब सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट होता है, इट हैज ओनली 1 एलिमेंट. सिंगलटन नाम में ही पता चलता है, तो 0 इज अ सिंगलटन सेट. उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ ए. इफ द ऑर्डर ऑफ द सेट इज 0, द सेट इज एम्प्टी. इफ द ऑर्डर ऑफ सेट 1 सेट इज 1, देन सेट इज सिंगलटन. मतलब किसी एक एलिमेंट में कितने, किसी एक सेट में कितने एलिमेंट्स है वो उसका ऑर्डर होता है. तो इसमें और कार्डिनल नंबर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. बट यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो ऑर्डर कितना है ये नहीं बताया. मतलब मुझे लगता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट सिर्फ एम्प्टी और सिंगलटन सेट के लिए यूज होता है ये टर्म्स. देखो एक यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड. बिल्कुल नहीं होगा ऑर्डर इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट के कुछ और एग्जांपल आएंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे. चलो.
कुछ एग्जांपल देखते हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50. लेस देन 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? सेट बना है इसका प्राइम नंबर, ठीक है. वन प्राइम नंबर है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? वन होता है, टू होता है, टू होता है. उसके बाद थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन. प्राइम नंबर याद है ना, ऑड नंबर नहीं होता. प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ वन और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है. उसके बाद 19 के बाद 23, 29, फिर 31, 37, उसके बाद 41, 43, 47, दैट्स इट. फुल स्टॉप लगा के करली ब्रैकेट क्लोज. बताओ फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ऑफ कोर्स फाइनाइट है. तो ये क्या आएगा? फाइनाइट, ठीक है. सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 50. ग्रेटर देन 50 तो इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये इनफाइनाइट है. द सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन. एक प्लेन पे कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हो तुम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं पता है ना तुमको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सपोज ये इसको हटाते हैं पहले. क्या हो गया भाई? हाँ ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. और एक बनाता हूँ भाई. क्या हो गया? शेप तो ले लो. अब ये कॉन्सेंट्रिक बनेगा कि नहीं मुझे नहीं पता. हाँ बना, थोड़ा बहुत बना. इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं. रुको 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 रुको, एक मिनट. हाँ ठीक है, दिख रहा है थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रिक. ऐसे बताओ मुझे मैं कितने सर्कल बना सकता हूँ एक प्लेन पे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेम सेंटर हो. द सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई. इसकी रेडियस अलग है, ये बाहर वाले की रेडियस अलग है. इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी कैपिटल आर. ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग. ऐसे कितने सर्कल्स बना सकता हूँ? इनफाइनाइट. तो सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन विल बी इनफाइनाइट. सिंपल है बहुत. फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट. प्लीज नोट कर लेना इसको, ठीक है. पॉज करो वीडियो को, सारे क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व कर लो अगर तुम्हें हो सकता है तो. अगर नहीं हो सकता है सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूंगा सॉल्व, फिर देख लेना. बट नोट कर लो क्वेश्चन सारे. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट एंड विच आर फाइनाइट. अच्छा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कौन सा फॉर्म है ये? ये है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में वो लोग ने एक डेफिनेशन बनाया है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है. मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर प्लस 2 के फैक्टर निकालें तो आएगा मुझे 2 वन ज़ा 2, और माइनस 2 और माइनस 1 ले लें इसके दो फैक्टर्स. माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 होता है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होता है. और x की दो वैल्यू निकालें तो मुझे मिलेगा 2 और 1. मतलब x की दो वैल्यू आती है इसलिए ये फाइनाइट है. फाइनाइट, एफ आई मतलब फाइनाइट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दो ही वैल्यू आती है x की इसको सॉल्व करके. अच्छा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अगर इसको मैं सॉल्व करूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. याद है ना, प्लस माइनस तो डालना ही पड़ता. बट इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है, प्लस 3 या माइनस 3? माइनस 3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो प्लस 3 है. तो यहाँ पे ये फाइनाइट सेट ही होगा, लेकिन सिंगलटन भी होगा. ये सिंगलटन भी होगा, फाइनाइट भी होगा, सिंगलटन भी होगा. अच्छा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन. ऐसे कितने इवन नेचुरल नंबर है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट. x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.
अच्छा, 2x माइनस 3 अगर 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू 3/2 आती है, लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है भाई। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो क्या ये सॉल्यूशन सेट का कोई भी आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये क्या है पता है? एम्प्टी सेट है, एम्प्टी। अब एम्प्टी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट? दोनों भी नहीं है, एम्प्टी है। फाइनाइट तो उसको बोलते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं एलिमेंट्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3/2 आ रही है और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला, राइट? सो ये एम्प्टी सेट है। देखते हैं वो लोग ने क्या आंसर दिया है। मेरा आंसर है फाइनाइट, फाइनाइट प्लस सिंगलटन, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी। फाइनाइट, राइट, फाइनाइट, सिंगलटन वो लोग ने लिखा नहीं है बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इनफाइनाइट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अब एक नया रिविलेशन है तुम्हारे सामने। अगर एम्प्टी सेट होता है तो उसको भी हम लोग फाइनाइट ही लिखते हैं, ठीक है? तो यहां पे मैं मेरा आंसर एम्प्टी एंड फाइनाइट लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये नई नई चीजें हम सीखते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। सिर्फ थियरी पढ़ के तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, अलग अलग एग्जाम्पल देखोगे तभी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसलिए मैं एग्जाम्पल्स पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करना तुम्हारे लिए इजी हो जाए। तुम सोचोगे सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे? अगर तुम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं जो एक्सरसाइज भेजूंगा वो प्रॉपरली सॉल्व करोगे, वैसे ही टाइप के थोड़े और चैलेंजिंग क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है? तो उसका भी मैं तुम्हें वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया तो कॉम्पिटिटिव लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जो तुम्हें बेसिक नॉलेज नॉलेज की ज़रूरत है, जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वो तो है तुम्हारे पास। तो बस अब उसको ट्राई करना है। वो थोड़े और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं, उस पर सिर फोड़ना है तुम्हें, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है उसका, ठीक है? कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखो, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। टॉपिक्स यही होंगे, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में यही टॉपिक होंगे, सिर्फ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा और लॉजिक यूज करना पड़ेगा। सो डोंट थिंक कि हम तो यार सर ये सिंपल वाले बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जरूरी है। ये नहीं करोगे तो आगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करने में तकलीफ होगी। सो बी पेशेंट, ठीक है? तुम्हारी सारी तैयारियां हम लोग करेंगे प्रॉपरली, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है तीनों के तीनों, देख लेना ध्यान से। एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड एक्स इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कभी भी कोई नंबर एक साथ स्मॉलर देन 5 और ग्रेटर देन 7 हो सकता है क्या? कोई नंबर या तो स्मॉलर देन 5 होगा या तो ग्रेटर देन 7 होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो ये एम्प्टी सेट है या नल सेट है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अच्छा, अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है, अगर इसका मैं रूट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू? प्लस माइनस 5। 5 क्या है? ऑड इंटीजर है। प्लस 5 भी ऑड इंटीजर है, माइनस 5 भी ऑड इंटीजर है, तो मतलब ये एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ठीक है? एक्स स्क्वायर x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational, ये empty है। क्यों पता है? x square minus 2 अगर 0 है तो x square की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड therefore x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √2। रूट टू खुद इरेशनल नंबर, तो x इज रैशनल, ये स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ। तो फर्स्ट वाला एम्प्टी, सेकेंड वाला नॉट एम्प्टी, थर्ड वाला एम्प्टी। फर्स्ट वाला एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, एम्प्टी, करेक्ट? आई होप तुम लोग नोट कर रहे हो। वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन नोट करके सॉल्व कर लो, जब मैं डिस्कस करूंगा आंसर चेक करो अपना, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। व्हाट इज द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रैशनल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, आई एम सॉरी, रैशनल नंबर क्यू होता है, आर मतलब रियल नंबर होता है, ठीक है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9
एंड 2x कॉमा 2x इज इक्वल टू 4। अच्छा मतलब x की दो डेफिनेशन दी है, एक ये है और एक ये है। इसको सॉल्व करके x क्या मिलेगा 2, इसको सॉल्व करके x क्या मिलेगा प्लस माइनस 3। क्या x की ऐसी दो वैल्यूज हो सकती है? मतलब दोनों डेफिनेशन को एक साथ x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है क्या? नहीं, या तो x की ये वैल्यू करेक्ट है या तो ये। मतलब कंडीशन किसी भी सेट में एक ही होनी चाहिए, ऐसी दो कंडीशंस कभी भी एक सेट में नहीं होती। और दो कंडीशन है भी तो दोनों का कॉमन रिजल्ट होना चाहिए, या तो रिजल्ट अलग है, ये अलग रिजल्ट है, ये अलग रिजल्ट है। मतलब मुझे तो लगता है एम्प्टी सेट है भाई। देखते हैं, देखो नो वैल्यू सेटिस्फाइज बोथ द गिवन कंडीशंस, हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट। समझ में आया? ऐसे लिखना है तुम्हें। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स इफ एनी गिविंग रीजंस। यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे पांच सेट दिए, तो इसमें इक्वल सेट कौन से? अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज दिस एन एम्प्टी सेट? अगर मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में जीरो, क्या एम्प्टी सेट है ये? कितने लोग मानते हैं एम्प्टी सेट है? जो लोग ये मानते हैं कि ये एम्प्टी सेट है वो लोग गलत है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी, याद रख लेना। मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं। एम्प्टी सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तो है ना एक एलिमेंट, जीरो एक एलिमेंट होता है। जीरो आया मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये ऐसा होता कि कोई भी एलिमेंट नहीं है तब जाके एम्प्टी सेट होता, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज स्मॉलर देन 5, ये वाला एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। अच्छा सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सिंगल टन सेट है जिसमें एक ही वैल्यू है एक्स की 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। ए जो सेट ए है दैट इज 0, सेट बी है दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, सेट सी सिंगल टन सेट है जिसमें एक्स की वैल्यू 5 है, सेट डी क्या है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो मैं मान लेता हूँ अगर एक्स स्क्वायर 25 दिया है तो उसका आंसर 5 माइनस 5 होगा। ठीक है, सेट डी हो गया। एंड ई क्या है? व्हाट इज ई? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मतलब इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर, और रूट मतलब क्या है? इसके सॉल्यूशंस। चलो निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 15 के दो फैक्टर निकाल ले, 5 3 जा, और इनका सम या डिफरेंस माइनस 2 आना चाहिए, मतलब माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 एंड माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस 15, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 5 प्लस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इज इक्वल टू 5। दो वैल्यू आ गई, इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल रूट कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? एक ही है, 5। तो मतलब ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ 5, राइट? क्योंकि ये डेफिनेशन में ही लिखा है कि एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो दूसरा रूट हम लोग नहीं लेंगे। तो अब वो लोग पूछ रहे हैं फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। मुझे तो इक्वल सेट सिर्फ सी और ई लग रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता। सी और ई मुझे इक्वल सेट लग रहे हैं। अब ए और बी अगर इक्वल है या नहीं है ये डाउट है। मेरे हिसाब से अगर ए को देखेंगे तो इट इज नॉट एम्प्टी, बी एम्प्टी है, ए एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जीरो, तो ए और बी इक्वल नहीं है। अच्छा सी और ई इक्वल है बट डी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। चलो देखते हैं आंसर क्या है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता, देखते हैं आंसर क्या है। तो ए जीरो है, बी नल सेट है, सी फाइव है, डी माइनस फाइव फाइव है और ई फाइव है, ये सब करेक्ट हो गया। ठीक है, आउट ऑफ अच्छा ये तो सब रीजन दिया, क्लियरली सी इज इक्वल टू ई।
करेक्ट है, हम लोग बिल्कुल करेक्ट है। सी और ई इक्वल है, बाकी कोई भी इक्वल नहीं, राइट। सब कुछ सही था अपना। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अच्छा तो एक है सेट ए जिसमें 1, 2 है, दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ x² + 3x + 2, ये तुम लोग सॉल्व करोगे। और मुझे लगता है कि जो सेकेंड सेट आएगा उसका जो आंसर है 2 1 2, वो -1 और -2 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर -1 -2 आता है तो ये इक्वल नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, प्लीज फाइंड द आंसर, पॉज करके आंसर ढूंढो, बताओ आंसर क्या है पॉज करके। ठीक है, कर लिया, चलो देखते हैं, है ना। -1 -2 आया, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आज ये पार्ट किया हमने, अभी ये जो एक्सरसाइज है छोटी सी है, ज़्यादा 8 सम है, ज़्यादा नहीं है, ये मैं तुम लोगों को भेजता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल्स है, ठीक है। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज मैं तुम्हें ये एक्सरसाइज भेजता हूँ, आज मैं फिजिक्स का वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, फर्स्ट चैप्टर का, बहुत ईजी है। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।